अमनदीप अस्पताल पठानकोट में नई योजना अमन की आशा का उद्घाटन किया गया। इस योजना के उद्घाटन के दौरान पठानकोट SDM हरजिंदर सिंह बेदी ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान अमनदीप अस्पताल के CEO परितोष जोशी ने योजना के संबंध में जानकारी हेतु बताया कि जो भी मरीज आएगा उसका इलाज उचित और कम खर्च में किया जाएगा। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए शहर के NGO संगठन के अध्यक्ष भी थे। इस योजना से गरीब मरीजों को काफी फायदा होगा क्योंकि उन्हें कम कीमत पर बेहतरीन इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत मरीजों से 700 रुपए प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। इस कमरे का शुल्क, बिस्तर का किराया, नर्सिंग शुल्क, डॉक्टर शुल्क और आहार शुल्क शामिल है। जिन रोगियों को सर्जरी और ICU की आवश्यकता होती है, इस योजना में उन्हें ये 50% छूट देंगे। देखो जी, इतने आन के एक बहुत वधिया लग्या जिदे कि अमन की आशा एक नेक उपराला शुरू किया। इहदे विच जिस तरह असीं देखदे कि हर कोई बंदा अपनी पॉकेट चो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, मतलब कि मैडिकल एक्सपेंडिचर मोस्टली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। इहदे विच ही उपराले दे नाल की होएगा कि जिहड़े साडे पठानकोट वासी है जां जो भी नियर बाय वासी है जिन्हां ने मैडिकली लाभ लैना जां कोई इन्हां नूं ट्रीटमेंट कराना है, एक बड़े ही अफोर्डेबल एक रेट ते इत्थे दित्ता जाएगा, चीप रेट ते दित्ता गया, सबसिडी दित्ती जाएगी। ये नाल की है कि जिहड़े साडे लोग है जिहड़े गरीबी रेखा च है वो इत्थे वधिया अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो उन्होंने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नाल ही मैं अमनदीप का भी धन्यवादी हाँ जिन्होंने अनेक उपराला चुकन च इन्नी अपनी दिलचस्पी दिखाई। तो मीडिया नूं मैं ही कहना चाहवागा कि ये तुसीं हर एक लोग तक, हर घर तक पहुँचाओ ता कि जदों कोई एमरजेंसी आए वो अपना ट्रीटमेंट करा सकन ते अपने अफोर्डेबल ट्रीटमेंट करा के ठीक होकर जा सकन। ये थैंक यू। मैं आज SDM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे अमनदीप परिवार की तरफ से कि उन्होंने अपना समय निकाला और वो यहाँ आए और हमें एक उत्साह और एक साहस दिया इस अमन की आशा को शुरू करने का और उसको आगे बढ़ाने का। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम उनके साथ ही है और उनके सपोर्ट के साथ ही इसमें और इस पूरी अमन की आशा को आगे लेके जाएंगे। और बस मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे सभी मीडिया के भाई बहनों से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा का लाभ ले सकें, यहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट को अवील कर सकें। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का सर, आपकी प्रेजेंस का सर, स्पेशली दैट यू हैव गिवन अस दिस टाइम। एंड सर, क्या रहेगा अमन की आशा में, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी थोड़ा? अमन की आशा में सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी, ट्रीटमेंट में कोई भी क्या बोलते हैं चॉइस नहीं होगी, जो ट्रीटमेंट जिस पेशेंट को ज़रूरत होगी वो दी जाएगी और हाईली सब्सिडाइज रेट पर दी जाएगी। ये हर पेशेंट के लिए होगा या कुछ कैटेगरी? नहीं, ये हर पेशेंट के लिए नहीं होगा, ये होगा सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं और जो क्वालिटी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी एक कमेटी है पासी साहब की, NGO विद्या एजुकेशन सोसाइटी के साथ हमने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी उस पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी चेक करेगी कि इस पेशेंट को अमन की आशा में लेने की ज़रूरत है। एक बार हमारी कमेटी हमें यस कहेगी उसके बाद हम उस पेशेंट को अमन की आशा में ठीक करेंगे। जो भाई ने सब नहीं, अभी सिर्फ विद्या एजुकेशन सोसाइटी इन्वॉल्व है और अमनदीप हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वही आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पेशेंट को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और पूरी कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और कमेटी उसको डिसाइड करेगी। मैं अमनदीप हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने एक अच्छा उपराला किया अमन की आशा। ये जोड़े लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपनी ट्रीटमेंट करा सकूंगे। ये जिथे गरीब लोगों को बेनीफिट मिलता क्योंकि लोगों की जड़िया सिंपथीज होंगी है वो गरीब आदमी नाल हमेशा होंगी है, वो गरीब आदमी जड़ी सोच दे नाल चलता वो नाल अमनदीप की जी मैनेजमेंट हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने जोड़ा उपराला किया बहुत वधिया किया। ये जोड़ा आम आदमी है वह भी इतने आके अपनी ट्रीटमेंट करा सकता। मैं
इन्होंने साड़ी एन जी ओ जी दिता कि असी चैक करके दस सकेंगे कि यह बंदा अफोर्डेबल है कि नहीं है। मैं इन्होंने वास्ते अमनदीप हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना। अज अमनदीप हॉस्पिटल के जरा अमन की आशा एक वार्ड जरा गरीब लोगों जरूरतमंद लोगों लिए असं कह सकते हैं कि खोलन जा रहे हैं और बड़ी खुशी की गल है कि पिछले कुछ समय के इन्होंने व्यापार मंडल के नाल और भी जड़िया संस्थावान पठानकोट दल मीटिंग करके शहर वासियों को जरा यदा मशुरा लिया सी और उस वेले भी ये गल निकल के आए थी कि जेडे लोग जरूरतमंद ने नीडी लोग ने जिन्हों इलाज जरा नहीं मिल पाता साढ़े शहर के वधिया तकनीक के नाल और अमनदीप हॉस्पिटल के इन्नी इतने कैपेसिटी और काबिलियत है डॉक्टर्स कि लोगों की जी कीमती जान टाइम सिर जरा बचाया जा सकता। सो वो सारिया सुविधा जीडिया ने अज अमनदीप हॉस्पिटल वालों एक वार्ड की शुरुआत करके दतिया जा रही ने। सो बहुत बहुत मुबारकबाद इन्हों जिन्हें भी तमाम अहदेदार ने जिन्ना भी स्टाफ है थापा जी ने परितोष जी ने और जिन्ना भी डॉक्टर्स की टीम है असी सदा ही जरा इन्हों ऋणी रहेंगे पठानकोट के लोग और मैं सबनों अपील करना कि वो तो वह जी गल है लोगों तक पहुँचाई जाए कि इतने वधिया तरीके बेहतर तरीके और बड़े ही घट जो दाम के जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। अज बड़ा खुशी का दिन है पठानकोट के जनता वास्ते कि अमनदीप हॉस्पिटल जोड़ा कि साढ़े शहर का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिते हर तरीके की फैसिलिटी मौजूद है इन्होंने साड़ी मंग नूं मुख रखते हुए क्योंकि जो भी कोई पेशेंट गरीब इत्थे आंदा सी असी थापा जी नूं फोन करते ही लड़ते ही डॉक्टर पारितोष होर नाल फोन करते ही लड़ते ही कंसैशन दिओ कंसैशन दिओ। इन्हां दी कुछ रिस्ट्रिक्शनज़ होंदियां सी जो भी इन्हां दी पॉलिसीज़ होंदियां होणगियां हुण उन्होंने उहदे ते काम करते हुए अगे एक पॉलिसी लियांदी है जिहदे विच जिहड़ा कि अंडर प्रिविलेज्ड है बिलो पॉवर्टी लाइन है पेशेंट जिहड़ा इत्थे आंदा सोच भी नहीं सकदा सिविल हॉस्पिटल ते ही जांदा उत्थे ही जाके बेचारा पूरा हो जांदा उहदा पेशेंट अगे नहीं जा पाउंदा उह हुण अमनदीप हॉस्पिटल आ सकदा ते अपने पेशेंट का इलाज करवा सकदा। इहदे लई थापा जी डॉक्टर परितोष जी ते सब तो ज़्यादा डॉक्टर अवतार सिंह जिहड़े कि एम डी हैगे आ वो शुभ चिंतक उन्होंने असी शुभकामनावान दें कि यहोजे काम करते रहन उपराले करते रहन प्रभु उन्होंने इच्छा शक्ति दो। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूल कर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसोर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डिकॉर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डिकॉर इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है, जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वर्सेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और प्रचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवंस केक्स एंड पेक्स, नज़दीक पीर बाबा चौंग, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।